हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे शास्त्र के अनुच्छेदों में पाठ्य वस्तु एवं विषय वस्तु, सिलेबस एंड कंटेंट इन डिसिप्लिनरी एरियाज। विद्यालयी पाठ्यचर्या में विषय के सदोकार पर क्रमिक रूप से उन पहलुओं, जैसे विद्यालय में कोई विशिष्ट विषय को क्यों पढ़ाया जाता है, उन विषयों को महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है, इन विषयों में पाठ्य वस्तु की रूपरेखा बनाने में किस प्रकार की विषय वस्तु का चयन किया जाता है, विद्यार्थियों के लिए इन विषयों की योजना कैसे बनाई जाती है तथा इन विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए किस प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं पर ध्यान केंद्रित करते हुए चर्चा की जा रही है। तो यहाँ हम देखेंगे विभिन्न शास्त्र केंद्रित क्षेत्रों में पाठ्य वस्तु का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकृति, मीनिंग, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ सिलेबस इन डिफरेंट डिसिप्लिनरी एरियाज। पाठ्यचर्या क्या है, ये पाठ्य वस्तु से किस प्रकार भिन्न है तथा किस पाठ्य वस्तु का विषय का चित्रण करती है, यहाँ यह समझने का प्रयास किया गया है। तो पाठ्य वस्तु की अवधारणा के संबंध में हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। पाठ्य वस्तु एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करती है। मुख्य तौर पर विषयों पर केंद्रित होती है। कक्षानुसार सीखने के लक्ष्य, उनके क्रम तथा अनुपात यानी कितना पढ़ाना है का स्पष्ट विवरण रहता है। यह भी उल्लिखित रहता है कि मूल्यांकन में किन बिंदुओं पर कितना जोर होगा। सामान्य रूप में ये कहा जा सकता है कि पाठ्य वस्तु में पाठ्य विषयों एवं उनसे संबंधित कार्यों एवं क्रियाओं का विवरण रहता है। इसमें किसी स्तर विशेष के लिए सैद्धांतिक विषयों के ज्ञान की सीमा निहित होती है। अब देखेंगे पाठ्य वस्तु का अर्थ और परिभाषा। पाठ्य वस्तु या सिलेबस पाठ्यक्रम के विषय केंद्रित भाग का केवल एक भाग होता है, अतः ही पाठ्यचर्या की अपेक्षा एक संकुचित विचारधारा है जिसका फैलाव केवल विषय वस्तु तक सीमित होता है। छात्र कक्षा में अलग अलग विषय वस्तुओं को सिलेबस के आधार पर प्राप्त करता है, जिससे उसका बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। पाठ्य वस्तु में निर्धारित पाठ्य विषयों से संबंधित क्रियाओं का ही समावेश होता है। इस प्रकार पाठ्य वस्तु के अंतर्गत पाठ्य वस्तु का विवरण शिक्षण के लिए तैयार किया जाता है, जिसे शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। हेनरी हेरेप के अनुसार पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस केवल मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना है। पाठ्यवस्तु की तैयारी पाठ्यक्रम विकास कार्य का एक तर्कसंबद्ध सोपान होता है। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार पाठ्यवस्तु किसी विद्यालय या शैक्षिक विषय की उस विस्तृत रूपरेखा से है जिसमें विद्यालय, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं समुदाय के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के साथ साथ छात्र के सर्वांगीण विकास के अध्ययन तत्व समाहित हों। पाठ्यपुस्तक आधुनिक शिक्षा प्रणाली में पाठ्यपुस्तकों का महत्व सर्वविदित है। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यवस्तु द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक एवं छात्र दोनों को सुगम हो पाता है। सीखने के अनुभवों में पाठ्यपुस्तकों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान या अनुभव को संचित किया जाता है। इस प्रकार अच्छी पाठ्यपुस्तकें जिसमें कि सिलेबस निहित रहता है, शिक्षा प्रक्रिया में निर्देशन का कार्य करती हैं। अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों के लिए महत्वपूर्ण अध्ययन है। डॉक्टर दीपक शर्मा के अनुसार सिलेबस किसी विषय से संबंधित सामग्री होती है जिसको छात्रों की रुचियों, आवश्यकता, निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है और इसमें छात्रों का एक निश्चित जो है स्तर तक मानसिक विकास होता है। अब हम देखेंगे पाठ्य वस्तु की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाठ्य वस्तु की जो विशेषताएं हैं इस प्रकार से हैं। इसमें पहला बिंदु आता है, पाठ्य वस्तु केवल बच्चों के मानसिक विकास पर बल देती हैं। दूसरा बिंदु है, पाठ्य वस्तु छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन नहीं ला पाती क्योंकि पाठ्य वस्तु का क्षेत्र जो है होता है संकुचित होता है और पाठ्यक्रम कहा जाए करिकुलम उसका जो क्षेत्र है वो ऑलराउंड है, सभी तरफ का है, होल है, बड़ा है। पाठ्य वस्तु बुनियादी रूप से स्कूली विषयों से संबंधित होती हैं। इसमें शिक्षण विषयों के प्रकरणों को ही शामिल किया जाता है। पाठ्य वस्तु रटने को प्रोत्साहित करती हैं। पाठ्यवस्तु का संबंध कक्षा कक्ष के अंदर होने वाली क्रियाओं से होता है और वास्तविकता ही है पाठ्यवस्तु यानी कि सिलेबस किसी कक्षा के लिए दिया गया कार्य जिसको वो निश्चित समय में पूरा करेगा। पाठ्यवस्तु में शिक्षण अधिगम विधियों का उल्लेख नहीं किया जाता है। कौन कौन सी अधिगम विधियाँ होंगी उनका उल्लेख नहीं होता है। पाठ्यवस्तु पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक
है। पाठ्य वस्तु सामान्यतः विषय केंद्रित होती है क्योंकि विषय से संबंधित ही उसमें सिलेबस रहता है। एक विषय का ज्ञान असीमित होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 बारे में एक जो पाठ्य वस्तु पुस्तक होती है उसमें जो सिलेबस होता है उसी को पाठ्य वस्तु कहा जाता है। पाठ्य वस्तु विभिन्न विषयों के प्रकरणों तथा जो है विषय वस्तु का एक संग्रह होता है। अब हम देखेंगे विभिन्न शास्त्र केंद्रित क्षेत्रों में पाठ्य वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ सिलेबस इन डिफरेंट डिसिप्लिनरी एरिया। पाठ्य वस्तु की प्रकृति अधिक विशिष्ट होती है, ये शिक्षा के एक निश्चित स्तर पर समावेशित किए जाने वाले प्रकरणों, विशेष रूप से एक कक्षा या स्तर या एक दिए गए विषय में एक सारांश प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए भारतीय संदर्भ में प्राथमिक स्तर के लिए एक पाठ्य वस्तु कक्षा 1 से 8 क्लास तक के शिक्षण अधिगम हेतु विविध विषयों जैसे कि इतिहास, भूगोल, सामाजिक विषय, राजनीति अध्ययन, पर्यावरण और सामान्य विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी के निर्धारित प्रकरणों को शामिल कर सकता है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से कक्षा 6 की पाठ्य वस्तु विशिष्ट रूप से उन प्रकरणों से संबंधित हो सकती है जिसे एक विद्यार्थी उप कक्षा में अलग अलग विषय क्षेत्रों में अध्ययन करेगा। यद्यपि जब एक विशेष विषय क्षेत्र या फिर शास्त्र की बात करते हैं तो कक्षा 6 के लिए या तो इतिहास विषय या प्राथमिक स्तर के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्य वस्तु की ओर इशारा करते हैं। शैक्षणिक संदर्भ में विषय को एक दिए हुए क्षेत्र में ज्ञान के एक निकाय के रूप में जाना जाता है। इस अर्थ में प्रायः इसे शास्त्र कहा जाता है, जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र आदि। यद्यपि शिक्षा जगत से जुड़े हुए किसी व्यक्ति के लिए सामाजिक विज्ञान को एक विषय के रूप में बताना कोई असामान्य बात नहीं है, फिर भी ये सर्वविदित है कि सामाजिक विज्ञान विषयों का एक मिश्रण है या अधिक सटीकता के साथ शास्त्रों जैसे इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र आदि का मिश्रण है। इसलिए इन दोनों के मध्य सामाजिक विज्ञान को एक विषय क्षेत्र के रूप में तथा इतिहास, भूगोल, सामाजिक अध्ययन कहें सामाजिक विषय और राजनीतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र आदि को एक शास्त्र के रूप में इंगित करते हुए भेद करने का प्रयास किया जाता है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रायः पाठ्य वस्तु विद्यालय स्तर पर जिसे अध्ययन के विषय के रूप में जाना जाता है को समरूप बनाता है। उदाहरण के लिए भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान जैसे शास्त्र को एक विषय में वर्गीकृत किया जाता है जिसे सामान्य विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सहायता के लिए उनके सामाजिक और स्वाभाविक वातावरण को समझने हेतु एक विषय जैसे पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है, जिसके लिए एनवायरमेंट कहा जाता है, तो के निर्माण के लिए सामाजिक और सामान्य विज्ञान की एक विन्यास से प्रकरणों का चुनाव किया जाता है। कहीं कहीं इसे मॉडल की बुक के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा सही रहता है, सटीक रहता है। अब हम देखेंगे पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु के चयन के मानदंड, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर कंटेंट्स इन द सिलेबस। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र ज्ञानार्जन करके दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो कि विषयों से संबंधित होते हैं, या दैनिक कार्यों से ये कह सकते हैं कि विषय संबंधित होते हैं। वो विषय में जो है पाठ्य वस्तु रहती है, तो उसकी जो विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र का ज्ञानार्जन करके दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कर सकें। चयनित विषय वस्तु ऐसी हो कि उनके उससे छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो सके और वे मानव जीवन की वास्तविकताओं को समझ सकें। यहाँ पर हम देख रहे हैं विषय वस्तु इससे प्राप्त हो सकता है ज्ञान सूचनाओं का औपचारिक संगठन और विषय वस्तु शैक्षिक प्रयोजनों के लिए ज्ञान का चयन। तो इसमें देखेंगे ज्ञान विषय वस्तु की समझ और उसके विभिन्न प्रयोग हो सकते हैं। यदि विस्तार से विषय वस्तु के चयन के मापदंडों की चर्चा की जाए तो वृहद स्तर पर विषय वस्तु के चयन के मापदंड का आधार किसी राष्ट्र या समाज का सामाजिक, राजनीतिक तथा शिक्षा दर्शन होना चाहिए। सूक्ष्म स्तर पर मापदंड ऐसा होना चाहिए कि वह छात्रों की जरूरतों के लिए यानी कि उनकी आवश्यकताओं के लिए निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हो। विषय वस्तु के चयन के लिए कुछ मानदंडों की चर्चा यहाँ पर हम देख रहे हैं। सबसे पहले आत्मनिर्भरता, ये मापदंड छात्रों को अधिक से अधिक आत्मनिर्भर बनाने में अत्यंत मितवई ढंग से मदद करता है।
जैसे शिक्षण प्रयास में किफायत, छात्र प्रयास में किफायत और विषय वस्तु के सामान्यकरण का प्रसार। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विषय वस्तु छात्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट महत्व, सीखी जाने वाली पाठ्य वस्तु छात्रों के मूल विचारों, संकल्पनाओं, विशेषता, अधिगम योग्यताओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली होनी चाहिए। वैधता, वैधता का संबंध चयनित प्रामाणिकता की विश्वसनीयता से है। चयनित विषय वस्तु उस सीमा तक वैध होनी चाहिए कि वह पाठ्यक्रम के उद्देश्यों और लक्ष्यों से जुड़ी हुई हो और परिपुष्ट करने वाली हो। वह दैनिक जीवन के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। रुचि, विषय वस्तु के चयन का एक अन्य निर्धारक कह सकते हैं निर्णायक आधार ये है कि चयनित विषय वस्तु छात्रों के व्यक्तित्व जैसे दृष्टिकोण, रुचि आदि या फिर बौद्धिक क्षमताओं जैसे मानसिक स्तर और अभिरुचि आदि के अनुरूप हो। ये संभव है कि छात्रों की रुचियाँ अल्पकालिक हों किंतु रुचि के मापदंड को इस तरह से समायोजित किया जाए कि वे छात्रों की परिपक्वता, पूर्व ज्ञान, अनुभव आदि को समृद्ध कर सके। उपयोगिता, उपयोगिता का मानदंड विषय वस्तु मापदंड कहेंगे इसके लिए विषय वस्तु की उपयोगिता से संबद्ध है। उपयोगिता की अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की जा सकती है। जैसे अधिगम की विषय वस्तु छात्रों की व्यवसाय परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध होनी चाहिए। अधिगमक, इस मापदंड का संबंध विषय वस्तु की उपयुक्त क्रमबद्धता, उचित संगठन और उच्चतम स्थापन से है। चयनित विषय वस्तु छात्रों के अनुभवों और बौद्धिक योग्यताओं आदि के बाहर नहीं होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए कि छात्र इसे अनुभव कर सकें, समझ सकें और आत्मसात कर सकें। साध्यता, विषय वस्तु के चयन का ये मापदंड पाठ्यक्रम नियोजकों को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वे उपलब्ध समय, साधन, लागत और तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक वातावरण को ध्यान में रखकर विषय वस्तु का विश्लेषण और परीक्षण करें। अधिगम संबंधी कई विकल्पों के बावजूद छात्रों की अधिगम गति संबंधी सीमाएं होती हैं। व्हीलर, टावा तथा निकोलस ने विषय चयन के लिए जो मापदंड दिए हैं वे हैं विषय वस्तु की उपलब्धता, विषय वस्तु का महत्व, कार्यक्षेत्र और गहराई का उचित संतुलन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों की उपयुक्तता, विषय वस्तु की स्थिरता, मुख्य विचारों और बुनियादी धारणाओं के साथ विषय वस्तु सामग्री का तार्किक संबंध, विषय वस्तु की सीखने की क्षमता, विषय वस्तु की दूसरे विषयों के साथ अंतःक्रिया या आकर्षित होने की संभावना, सामग्री जो समाज के विकास में योगदान करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।